देश का विकास, देश का भविष्य इस पे निर्भर करता है कि हमारे देश की सरकार कैसी है। हम मतदान भी उन्हीं को देते हैं जिन्होंने देश के उत्थान के लिए कुछ किया हो। आज हम बात करने वाले हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले 5 साल के कार्यकाल में हुए 5 महत्वपूर्ण कार्य जो कि हमारे देश के भविष्य के लिए हीरे के समान है। तो आइए देखें पिछले 5 सालों में क्या क्या बदला है। मोदी सरकार के सबसे अहम फैसलों में 3 तलाक को आपराधिक कृत्य घोषित करना है। संसद में 3 तलाक बिल को पारित करवा कर सरकार ने 3 तलाक की शिकार महिलाओं को बड़ी राहत दी है। 3 तलाक कानून को मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 कहा जाता है। 3 तलाक बिल को 1 अगस्त 2019 को संसद में पारित करवाया गया था। 3 तलाक को तलाक बिद्दत भी कहा जाता है। इसमें मुस्लिम पुरुष अपनी बीवी को 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे सकता था, उसको तलाक देने की वजह भी नहीं बतानी पड़ती थी। 3 तलाक कानून को लागू करने का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने और इस प्रथा पर रोक लगाना था। मोदी सरकार के सबसे बड़े फैसलों में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करना था। अनुच्छेद 370 को खत्म करने के साथ ही सरकार ने जम्मू सरकार के राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इसके अलावा लद्दाख को भी एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त थे। संसद भी रक्षा, विदेश और संचार मामलों के अलावा राज्य के लिए कोई कानून नहीं बना सकती थी। किसी भी कानून को लागू करने के लिए उसे राज्य सरकार की अनुमति हासिल करनी पड़ती थी। भाजपा ने 2019 लोकसभा चुनाव के अपने संकल्प पत्र में अनुच्छेद 370 को हटाने का वादा किया था। अनुच्छेद 370 के लागू होने के दौरान जम्मू कश्मीर में किसी अन्य राज्य का निवासी जमीन नहीं खरीद सकता था। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद अब कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। नागरिकता संशोधन नियम को 2019 में संसद में पास किया गया था। इसका उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देना है। यह कानून राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 10 जनवरी 2020 से लागू किया गया। अल्पसंख्यकों में मुसलमानों को न शामिल करने को लेकर देश भर में आंदोलन शुरू हो गया था। शाहीन बाग आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा। राम मंदिर कहना आसान है कि अब इसका निर्माण हो चुका है, लेकिन इसको बनाने के लिए किए गए संघर्षों को समझना बेहद ही मुश्किल है। निर्माण की जिम्मेदारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पास थी। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार ट्रस्ट ने मंदिर के निर्माण और रखरखाव के लिए दान में 3,500 करोड़ रुपए का पर्याप्त संग्रह एकत्रित किया था। राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद का अंतिम फैसला हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा था कि जो 2.77 एकड़ की विवादित जमीन है वह रामलला की जन्मभूमि है। कोर्ट ने इस जमीन को उस ट्रस्ट को सौंपने का फैसला सुनाया था जिस पे भारत सरकार ने बाद में राम मंदिर बनवाना शुरू कर दिया था। अटल सेतु जो कि देश का सबसे लंबा पुल है, दिसंबर 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला रखने के बाद मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जिसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा शिवा अटल सेतु रखा गया। इसको निर्मित होने में पूरे 7 साल लग गए। ये देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि सड़क या पुल न केवल मानव जाति के जीवन में आरामदायक लाती है बल्कि देश को हर तरह से विकसित होने में भी सहायक होता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।